सर्दियों का मौसम आते ही जो चीज सबसे पहले दिमाग में आती है वो है पराठे और उसके साथ अचार। तो चलिए आज मिलके बनाते हैं मिक्स अचार सर्दियों वाला। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ वेजीज जैसे कि गाजर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। आप इसमें गोभी भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपको सन ड्राई कर लेना है या फिर आप माइक्रोवेव की मदद से भी इसका पानी सुखा सकते हैं। अब आपको कुछ ड्राई स्पाइसेस लेने हैं जैसे कि धनिया, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, सौंफ, राई, मेथी। मेथी कम लीजिए क्योंकि कड़वा कर सकती है। अब आपको तेल जो लेना है उसे थोड़ा सा गर्म करके ठंडा कर लेना है, फिर ही आप उसे यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारी जो वेजीज हैं वो अच्छी तरीके से माइक्रोवेव में ड्राई हो चुकी है। आप सन ड्राई भी कर सकते हैं इन्हें। एक दिन के लिए आप इन्हें धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद आप अचार बना सकते हैं। और जो ये आप अचार बनने वाला है ये है इंस्टेंट अचार। तो देखिए वेजीज हमारी ठंडी हो चुकी है, ऑयल भी हमारा ठंडा हो चुका है। ये मैंने लिया है हल्दी, हींग और नमक। साथ में हमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे मैं लूँगी सिरका, वाइट विनेगर। सारे जो ड्राई मसाले थे उनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। हल्का सा आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं या सन ड्राई भी कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए इस मसाले का, थोड़ा सा दरदरा। अब मैंने एक बाउल ले लिया है प्लास्टिक का, इसमें मैंने ऑयल जो कि ठंडा हो चुका है वो मैं डालूँगी। साथ में मैं जो ड्राई स्पाइसेस मैंने ग्राइंड किए थे वो ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें जो ये मैंने हींग, नमक और हल्दी ली थी। अभी मैं मिर्च इसमें ऐड नहीं कर रही क्योंकि मिर्च इसमें ऑलरेडी मैं अचार में यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसमें विनेगर भी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ें आप अपने अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और आप वेजीज और भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए अब अच्छे से हमें वेजीज मिलाने के बाद इसे मिक्स कर लेना है और आपका टेस्टी सा अचार बिल्कुल तैयार है। आप इसमें नमक मिर्च अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसे इंस्टेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक दिन बाद इसे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि तब तक मसालों का जो फ्लेवर है अच्छे से वेजीज के अंदर चला जाएगा और ये एकदम रेडी टू ईट है। आप इसे एक दो दिन धूप भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।